शुभकामनाएं। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि इंस्टाग्राम पर हम बहुत जल्द फ्री टिप्स ऑन एक्टिंग फॉर बिगिनर्स ऐसा एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, तो आज के दिवस से, इस शुभ दिवस से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और आने वाले 10 दिन ये 10 क्लासेस हर रोज होंगी, 10 से 11 बजे तक, सुबह 10 से 11 बजे हम रोज ये फ्री क्लासेस एक्टिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नमन करता हूँ उन तमाम टीचर्स को, उस परम ब्रह्म को, जिसकी वजह से हम इस लायक हुए हैं कि ये शिक्षा हम आने वाली जनरेशन तक पहुँचाएं। नमन करता हूँ उन परम ब्रह्म को जिनकी वजह से ये पूरी सृष्टि चल रही है, जिनकी वजह से हमें ये काबिलियत मिली है कि हम स्टूडेंट्स को शिक्षा दे सकें, और आप सभी स्टूडेंट्स को भी मेरा नमन। आइए शुरू करते हैं आज के दिन का जो पहला लेसन है वो है हाउ टू डेवलप एन आउटलुक ऑफ एन आर्टिस्ट एंड एन एक्टर। हमारे संपर्क में कई लोग आते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन जो एक्टर बनना चाहते हैं। अधिकतर लोग फिल्मों के प्रभाव से ही आते हैं, बगैर ये सोचे कि एक्टिंग के काम में किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है, किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सिर्फ कुछ स्टार्स से अभिभूत होकर, कुछ फिल्मों से अभिभूत होकर, वो फिल्मों में काम करने के इरादे से आते हैं और एक्टर बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं उन सब के लिए कहना चाहूँगा कि इस दृष्टि में परिवर्तन की बहुत सख्त ज़रूरत है। शायद पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात शेयर की थी कि जिस तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स, चाहे वो आर्ट्स के हों, दूसरी कलाओं के हों, संगीत, नृत्य, काव्य, साहित्य, या साइंस के सब्जेक्ट्स हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जोलॉजी, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक उसमें आप एक विद्यार्थी का नजरिया नहीं डेवलप करते तब तक आप सीख नहीं सकते। सीखने के लिए एक विद्यार्थी का नजरिया होना जरूरी है। आइए पहले देखते हैं कि जो लोग फिल्मों से अभिभूत होते हैं उनका नजरिया कैसा है। इस संदर्भ में तीन शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा और इन तीन शब्दों को एक्सप्लेन करता हूं। ये हैं फैन, पहला, दूसरा है कनोसूर, ये फ्रेंच वर्ड है, और तीसरा है आर्टिस्ट। इन तीनों शब्दों को बारीकी से समझिए, खासकर वो लोग जो एकदम नए हैं और सिर्फ फिल्मों से प्रभावित होकर अपनी ज़िंदगी में एक्टिंग की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो फैन का मतलब क्या है? फैन हुआ जब आप टीनेज की उम्र में पहुंचते हैं और किसी न किसी बड़े स्टार या बड़े गायक या बड़े पॉलिटिशियन या बड़े किसी भी स्पोर्ट्समैन के परफॉर्मेंस से, उसके टैलेंट से, उसके काम से प्रभावित होते हैं और उससे एक प्रकार की मोहब्बत करते हैं। आपका लगाव हो जाता है उस व्यक्ति से, तो ये लगाव आपको फैन की श्रेणी में रख देता है। तो फैन किसी भारतीय सिने स्टार का हो सकता है, हॉलीवुड के सिने स्टार का हो सकता है, उसे वो स्टार या वो प्रभावशाली व्यक्ति पसंद है, उसके खिलाफ वो सुनना नहीं चाहता, और वो जिस तरह से कपड़े पहनता है, जिस तरह की गाड़ी में घूमता है, या जिस तरह से बोलता है, या जिस तरह से फिल्म के पर्दे में उसके हाव भाव होते हैं, जिस तरह के रोल्स वो करता है, उसको वो इमिटेट करने की कोशिश करता है। ये फैन वाला जो स्टेज है, तो फैन का स्टेज कोई बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज नहीं है, ये शुरुआती दौर का एक स्टेज है जिसमें आप किसी से प्रभावित हो जाते हैं और ये छोटी उम्र में ही शुरू हो जाता है, टीनेज, 13, 14, 15, 16। लेकिन ता उम्र कोई फैन रहे तो ये अच्छी अवस्था नहीं है। अब आप मान लीजिए, चूंकि हम एक्टिंग के सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप किसी एक बड़े एक्टर के फैन बने और फिर बहुत बरसों तक फैन बनने के बाद अब आपके अंदर उस एक्टर का जो काम है, चूंकि काम उसका पूरा पूरा फिल्म से जुड़ा है या ड्रामा से जुड़ा है,
तो उस फिल्म के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कैमरा, लाइटिंग, एडिटिंग, आर्ट डायरेक्शन, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, बैकग्राउंड स्कोर करने वाले, ये सब एरियाज में आप धीरे धीरे थोड़ी सी समझ डेवलप करते हैं। अभी समझ कैसे डेवलप होती है, या तो बार बार फिल्मों को देखने से, फिल्म रिव्यू पढ़ने से, छोटी मोटी कोई वर्कशॉप करने से, या अपने कुछ सीनियर दोस्तों के साथ उठने बैठने से, उनकी बातें सुनने से, उनके एनालिटिकल अप्रोच को सुनने और समझने से, या कहीं बाकायदा आप कोई कोर्स कर लेते हैं, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स, तो वहां से आपके अंदर ये अगली अवस्था डेवलप होती है जिसे कनोसूर कहा जाता है। कनोसूर एक फ्रेंच टर्म है, एक फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है किसी भी कला को समझने वाला व्यक्ति। वो व्यक्ति अभी कलाकार बना है ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ मिस्टर अर्पित कुमार, जो सवाल पूछना चाहते हैं आप अपना सवाल रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बीच में उसको जरूर टच करूंगा, फिलहाल अपनी बात को जारी रखते हुए। तो कनोसूर शब्द जो है वो एक अगला स्टेज है, वो फैन से बेटर स्टेज है। फैन में व्यक्ति ब्लाइंड इमोशन के साथ, बगैर ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल किए हुए, अपने किसी बड़े सेलिब्रिटी के प्रेम में पड़ जाता है। कनोसूर की अवस्था में वो उस सब्जेक्ट को थोड़ा समझना शुरू करता है, उसे बारीकियां समझ में आती है। अभी वो अप्लाई करने के स्टेज पर नहीं आया है, अप्लाई करने का स्टेज तीसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज यानी आर्टिस्ट का स्टेज, और यहां पे हमारा जो आर्ट का सब्जेक्ट है वो है एक्टर। तो अब वो फैन कनोसूर बनके अब आर्टिस्ट बनने की जब राह पे चलेगा, तब वो धीरे धीरे ट्रेनिंग हासिल कर रहा है, ट्रेनिंग हासिल करना चाहेगा, तब उसके अंदर एक छटपटाहट होनी चाहिए कि ये जो एक्टर कर रहा है ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा। जब तक वो अपने आप को लेकर, अपनी टैलेंट से, अपने मेरिट से कला का प्रदर्शन करने नहीं लगेगा, तब तक वो आर्टिस्ट नहीं कहलाएगा। और ये आर्टिस्ट का जो स्टेज है ये बहुत लंबा स्टेज है, ये बहुत देर तक चलता है, और कभी कभी तो यूं समझो जन्मों जन्मों तक चलता है, ताउम्र चलता है। मेरा एक चर्चित प्रोवर्ब है, वो लैटिन प्रोवर्ब है, आर्स लोंगा वाइटा ब्रेवी, आर्ट इज लॉन्ग, कला की आयु बहुत लंबी है, और वाइटा ब्रेवी, वाइटा यानी लाइफ, ब्रेवी यानी छोटा, ब्रीफ, जीवन छोटा है। एक जीवन भी कला की दिशा में संपूर्ण ज्ञान हासिल करने के लिए छोटा पड़ता है। तो जब आप एक बार कलाकार बन गए या कलाकार की राह पर चल पड़े, तब आप धीरे 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 ताउम्र सीखते रहते हैं, और मरते दम तक आप सीखते रहते हैं, यही आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। तो पहला सबक, आज का पहला सबक ये है उन तमाम लोगों से जो एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम रखना चाहते हैं, वो फैन की अवस्था से बाहर आए, कनोसूर की अवस्था में आए, कला को समझने लगे, कला के पारखी होने की कोशिश करें, और फिर कलाकार बनने की राह पे चलें। कलाकार बनने की राह आगे की राह है, फैन से आगे, कनोसूर से आगे की राह। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जो मैं फैन की अवस्था में हूं, और मैंने थोड़े वर्कशॉप भी कर लिए, मैं ड्रामा भी थोड़ा बहुत समझ लेता हूं, मैं फिल्मों को थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेता हूं, मुझे अच्छी एक्टिंग क्या है समझ में आ रही है, अच्छा स्क्रिप्ट क्या होता है ये भी मैंने थोड़ा बहुत समझा है, कैमरा के शॉट्स मुझे समझ में आते हैं, मुझे दिखाई देता है कि लॉन्ग शॉट क्या है, ये लो एंगल शॉट क्या है, अच्छी लाइटिंग क्या होती है, अच्छा आर्ट डायरेक्शन भी समझ में आने लगा, एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिल्म को देख पा रहे हैं कि कट कहाँ लगा है, कैसे एक वाइड शॉट से क्लोजअप में कट किया जाता है, कैसे एडिटिंग के जरिए फिल्म को जोड़ा जाता है, फिर आपको म्यूजिक की समझ आ रही है, बैकग्राउंड स्कोर समझ में आ रहा है, साउंड का रोल समझ में आ रहा है, और भी छोटे मोटे जो दूसरे डिपार्टमेंट है जैसे प्रॉपर्टी है, कॉस्ट्यूम्स है, इन सब एरिया में आपको धीरे धीरे, आप फिल्म को अब एक फैन की तरह नहीं देखते, मतलब फिल्म में आप खो नहीं जाते। जो कनोसूर की अवस्था है उसमें फिल्म को आप थोड़ा सा डिटैच होकर देखें, फिल्म में थोड़ा, अभी जब आप ऑडियंस की तरह देखते हैं, फैन की तरह देखते हैं, तो आप फिल्म में बह जाएंगे, और वो जो बहना है उसमें कभी कभी आपको बोरियत भी हो सकती है, आपको अच्छा भी लग सकता है, आपके भीतर जो इमोशंस हैं कुछ इमोशंस को टच भी किया जा सकता है, लेकिन आप फिल्म को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, अप्रिशिएट इन द सेंस एनालिटिकल स्टडी आपकी नहीं हो पाएगी,
तो इसीलिए पहले आपका ये अप्रोच कनौसुर वाले अप्रोच में थोड़ा सा समय देना जरूरी है। तो जिस भी छोटे शहर में हैं आप, वहां पे ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप्स कीजिए। वहां पे कोई फिल्म क्लब भी होगा, वहां पे कुछ लोग फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते होंगे, वहां जाके उन फिल्मों को स्टडी करें जो आपसे सीनियर लोग हैं जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो क्यों खास तरह की फिल्में दिखाते हैं, उन फिल्मों के पीछे क्या लेसन है कला के पक्ष में, शिल्प के पक्ष में, क्योंकि फिल्म पूरी पूरी एक शिल्प है, एक्टिंग उसका एक छोटा सा भाग है। हम यहाँ पे एक्टिंग पर ही फोकस कर रहे हैं, एक्टिंग सब्जेक्ट पर ही फोकस करेंगे, लेकिन चूंकि एक्टिंग एक छोटा हिस्सा है बड़े शिल्प का, बड़ा शिल्प है पूरा फिल्म और उसमें एक्टिंग एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन आम जनता सिर्फ एक्टर से ही प्रभावित होती है, ये अलग बात है। खैर, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डिस्कस करना ठीक नहीं है। तो कनौसुर की अवस्था से जब आप आर्टिस्ट बनने की अवस्था पे जाना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा? सवाल यह है कि कैसे आर्टिस्ट बने। जो मैंने एकदम शुरू में कहा था कि एक एक्टर का आउटलुक डेवलप करना है, या उससे पहले भी एक आर्टिस्ट का आउटलुक डेवलप करना है। ये आर्टिस्ट का आउटलुक क्या होता है, आज का टिप यही है। जो एकदम नौसिखिए हैं, एकदम नए हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, सिर्फ सपने हैं, सिर्फ अरमान हैं और इरादे पक्के हैं लेकिन रास्ता नहीं पता, तो पहला रास्ता, पहला कदम यह है आपके लिए कि पहले आर्टिस्ट बनने की कोशिश कीजिए। तो अभी कोशिश क्या होगी, जीवन को नए दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए, उसके लिए कुछ समय बिताइए। एक तो ये बात है ही कि आपको फिल्में देखनी पड़ेंगी और स्टडी करना पड़ेगा जो कनौसुर का स्टेज है, लेकिन अपने वैयक्तिक जीवन में कला को लाने का प्रयास कीजिए। अब ये भी मैंने जो बात बोली इसको एग्जैक्टली इसके मायने क्या है, क्या है कला को समझना और होती क्या है कला, ये एक लंबा चैप्टर है। कला के ऊपर तो लंबी लंबी लेक्चर्स होते ही हैं इंस्टीट्यूट्स में, ड्रामा स्कूल्स में, फिल्म स्कूल में, लेकिन बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही छोटे शब्दों में, कला जीवन के हर पक्ष में सौंदर्य को देखने की दृष्टि है। इसको इस तरह से हम समझें, इस संसार में जो कुछ है उसमें सुंदरता का अपना एक स्थान है, प्रकृति में सौंदर्य है और जीवन के हर आयाम में सौंदर्य छिपा है। तो उस सुंदरता को और उस एस्थेटिक्स को ढूंढना और फिर अपने अंदर उसको आत्मसात करना, ये कलाकार की दृष्टि है। अगर हम एक कमरे को लें और उसमें एक एक्सरसाइज करें कि अलग अलग प्रकार के लोगों को उस कमरे को विजिट करने की इजाजत दें और वो अपने एंगल से, अपनी दृष्टि से, उस कमरे में कुछ लोग भी हैं और वो कमरा है, तो हर प्रोफेशन के आदमी की दृष्टि अलग होगी। यदि कोई आर्किटेक्ट आएगा तो वो कमरे को अलग दृष्टि से देखेगा कि ये डिज़ाइन कैसा हुआ है, इसमें बीम कहाँ फिट हुई थी, इसमें कौन से एंगल्स हैं, जिस तरह से बिल्डर ने डिज़ाइन किया, क्या सही है क्या सही नहीं है, किस तरह का आर्किटेक्चर है, ये आधुनिक है पुराना है, इसमें किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है। कोई डॉक्टर आएगा तो वो लोगों को देखेगा और उन लोगों के चेहरे को देखकर, उनकी आंखों में आंख डालकर वो देख पाएगा कि किसमें किस तरह की बीमारी है। डॉक्टर की दृष्टि ऐसी होती है। इंजीनियर भी स्ट्रक्चर के ऊपर सोचेगा। अगर कोई पेंटर आएगा तो रंगों की तरफ उसका ध्यान सीधा चला जाएगा। उसी तरह अलग अलग किस्म के जो आर्टिस्ट हैं वो अपने ढंग से उस कमरे में मौजूद रंगों को देखेंगे, उसमें जो फर्नीचर रखा है उसके एंगल्स को देखेंगे और वहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी मुद्राओं को देखेंगे, उनके हाव भाव को देखेंगे, क्या कोई मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा है, किसके चेहरे पे हंसी है, किसके चेहरे पे दुख है, किसके चेहरे पे बोरियत है, वो इस तरह से ऑब्जर्व करना शुरू करेगा। यहां एक शब्द आया, ऑब्जर्व। तो आप जब एक एक्टर की दृष्टि डेवलप करना शुरू करेंगे तो आपको अपनी इस फैकल्टी को, ऑब्जर्वेशन की फैकल्टी को बढ़ाना होगा। आपके जीवन में जो घट रहा है, आपके जीवन में बहुत कुछ घटता है, आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत कुछ करते हैं, किसी से मिलते हैं,
फ़ोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, कहीं मीटिंग करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, कभी दोस्तों से मिलते हैं, कभी दोस्तों से प्यार करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर आपकी गर्लफ्रेंड है या शादीशुदा है, बीवी है, बच्चे हैं, तो कितना कुछ जीवन में चल रहा होता है। तो पहला जो फैकल्टी आपको डेवलप करना है वो ये है कि आप ऑब्जर्व करें सब कुछ। ऑब्जर्व का मतलब है एक पैनी दृष्टि रखें हर उस घटना पर जो आपके साथ हो रही है। पहला मौलिक सिद्धांत यह है, आपके साथ जो हो रहा है, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं और कलाकार आप ही हैं। तो कला के जगत में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप एक सटल वर्ल्ड को जानने की कोशिश करते हैं, सूक्ष्म जगत को आप समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने जो जगत है वो स्थूल जगत है, इसे भूलोक भी कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के साथ थोड़ा थोड़ा मेंटल वर्ल्ड है, जिसमें हम जिस सब्जेक्ट के जरिए रुपए पैसे कमाते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ये आर्टिस्टिक वर्ल्ड से हर कोई कनेक्ट नहीं होता है। आर्टिस्टिक वर्ल्ड इसी डीप ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है और जो जो हो रहा है, जैसा जैसा हो रहा है, उसको हूबहू ऑब्जर्व करना, वॉच करना, अपने मेंटल फैकल्टी में उसको रिटेन करना, ये पहला सबक है। इसी पहले सबक का दूसरा भाग है, जब आपने रिटेन किया, आपने अपने आप को हंसते हुए देखा, आपने अपने आप को गुस्सा करते देखा, आपने किसी दूसरे के साथ जब मीटिंग की तो उस मीटिंग में बहुत कुछ कहा सुनी हुई, झगड़ा हुआ, बहस हुई, तो आपने उस बहस को वॉच किया, आपने उस बहस को ऑब्जर्व किया, तो ये पहला कदम हुआ। इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ दूसरा कदम है वो ये है कि जब आप फुर्सत के क्षण में हों, जो आपने ऑब्जर्व किया उसको हूबहू रिप्रोड्यूस करें, अपने दोस्तों के बीच या आईने के सामने अकेले या बाथरूम में अकेले। ये है आपके एक्टर की ट्रेनिंग का पहला पार्ट, जिसमें आप कलाकार बनने का पहला कदम उठाएंगे। तो दिस इज नोन एज इमिटेशन। इमिटेशन से ही ये काम शुरू होता है। इमिटेशन का मतलब है नकल करना। तो ये साधारण नकल करने की फैकल्टी, साधारण इमिटेट करने का टैलेंट, ये आपको डेवलप करना है। अगर आप अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास की दुनिया में देखेंगे, बहुत लोगों में ये टैलेंट नेचुरली डेवलप होता है, डेवलप्ड होता है। बहुत सी औरतें किससे कहानियां सुनाती रहती हैं अपने सहेलियों की, अपने स्कूल की, कॉलेज की, रिलेटिव्स की, और उसको कैसे मजे ले लेके सुनाती हैं और उस व्यक्ति का अभिनय करते हुए सुनाती है जिसके साथ ये कोई किस्सा हुआ था। तो वो अननोइंगली एक्टिंग कर रहे हैं। ये बात बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब आप किसी और की नकल करते हुए कोई किस्सा सुनाते हैं, कोई बात करते हैं और मजा लेके हुए अपने दोस्तों के बीच सुनाते हैं, तो आप अनजाने में अभिनय का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें ऐसे अभिनय के प्रति अपनी ट्रेनिंग को देखना होगा। तो आज की बातचीत में जो टिप्स है वो दो भाग में डिवाइड हो गई। पहला है ऑब्जर्व, कीन ऑब्जर्वेशन। ये आसान नहीं है, हम रियल लाइफ में जो भी करते हैं उसमें बह जाते हैं, क्योंकि हम अननोइंगली एक्ट करते हैं। अननोइंगली हम जीते हैं, हम मशीन की तरह जीते हैं। हमें बचपन से आदत पड़ गई है खास तरह से खाना खाने की, तो हम उसी तरह से खाते हैं। कुछ लोग फटाफट खाते हैं, कुछ लोग स्लो खाते हैं, कुछ लोग सोचते हुए खाते हैं। आप कैसे खा रहे हैं आप ये देखना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे ऑब्जर्व कीजिए कि आप कैसे खाते हैं, कैसे हाथ जाता है रोटी की तरफ, कैसे रोटी करने वाला मुंह की तरफ जाता है, कैसे दांतों के जरिए वो रोटी चबाई जाती है, और जहां तक गले तक तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आराम से कि वो यहाँ नीचे गया। और अगर आपको ऑब्जर्वेशन और पैना है, बहुत डीप है, तो आप देखेंगे कि वो कैसे फूड पाइप के जरिए आपके पेट तक गया। और अगर आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो आपको पेट में डाइजेस्ट होते हुए भी दिखाई दे सकता है मन से। तो इस तरह से आप अपनी हर क्रिया को ऑब्जर्व करते जाएं, और इसका जो अभ्यास है, आप हो सकता है 10 मिनट के लिए कर लें, 20 मिनट के लिए कर लें, लेकिन बाद में ये छूट जाएगा, ये स्वाभाविक है। तो वो छूटे ना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, शाम को जब आप घर लौट आए, थक हार के घर लौट आए, और अब आप
खा पी के थोड़ा सा आराम करके सोने की तैयारी में है, 20 मिनट के लिए बैठ जाएं वज्रासन में। आई होप वज्रासन की मुद्रा सबको मालूम है, घुटने के बल बैठ जाएं, घुटने को घुटने के ऊपर जैसे बैठते हैं, और दिन भर में जो हुआ, जो भी घटना घटी, और खासकर कोई इंटरेस्टिंग घटना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में एक दिन में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग घटना न घटी। आप दुकान गए, वहां शॉपकीपर से किस तरह बात की, आपके हाथ किस तरह हिले, पैसा निकालते वक्त जेब में हाथ कैसे गया, इन सब को आप फिल्म की तरह देखिए, ये ऑब्जर्वेशन का ही हिस्सा है। तो आपको क्या करना है, रिवाइंड करना है। सुबह उठे, सुबह उठते उठते आपने क्या किया, पहले पानी पिया या वॉशरूम गए, फिर कब ब्रश किया, कब पहली चाय पी, कब नाश्ता किया, कब नहाया, कब कपड़े चेंज किए, उसके बाद फिर गए, थोड़ी देर व्हाट्सएप किया, थोड़ी देर फोन किया, दोस्त से बात की, घर से बाहर निकले, ऑफिस गए, ट्रैवल किया, इन सब को आप एक फिल्म की तरह देखिए। धीरे धीरे आपको दो, इसके साथ जो अगला टिप है ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, यानी कल बताऊंगा, इमेजिनेशन भी आपका डेवलप हो जाएगा, लेकिन अभी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर को शार्प कीजिए, अपने भीतर जो देखने वाला एक वॉचमैन है, हमारे अंदर एक वॉचमैन है, हमारे अंदर एक ऑब्जर्वर है जो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, हर चीज देखता है, उसको याद भी रहता है, लेकिन चूंकि हम मशीन की तरह जीते हैं इसलिए हमें वो लंबे समय तक याद नहीं रहता। अब कलाकार जो है, जो कलाकार बन रहा है, जो कला को पाने की रास्ते पर है, वो मशीन की तरह नहीं जिएगा, वो होश में जीना शुरू करेगा, तभी तो कला क्रिएट करेगा। जो क्रिएटिव व्यक्ति होगा उसको होश में रहना जरूरी है। होश में रहने का अर्थ है अवेयर रहना। अवेयर कैसे रहा जाएगा, इसी ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया से। तो आज के टिप में यही बात याद रखें, मैंने इतनी सारी बातें बताई, और कुछ ने, किसी ने कहा कि मैंने आपको इंस्टाग्राम में मैसेज किया है, प्लीज रिप्लाई मी, तो आपका मैसेज मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। आपने ये जो अभी मैं मैसेजेस देख रहा हूँ इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा, खैर मैं इसको देख लूँगा, आपका मैसेज मैं अलग से देख लूँगा और कल उसका जवाब दूँगा। तो आज की बातचीत का सारांश, फैन, कनोसूर, आर्टिस्ट, ये तीन शब्द याद रखें। देखिए आप कहाँ पे हैं, क्या आप फैन हैं तो फैन से बाहर आइए, सारी जिंदगी फैन बन के नहीं जीना, कनोसूर बनिए। कनोसूर आप अपने छोटे शहर में भी बन सकते हैं, उसके लिए बम्बई आने की जरूरत नहीं, और अभी एक्टर की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, पहले इस डिपार्टमेंट को, एक्टिंग के डिपार्टमेंट को, पूरे फिल्म के डिपार्टमेंट के दायरे में देखिए और फिल्म को समझना शुरू कीजिए। थिएटर को भी समझ सकते हैं अगर आपके पास मौका है और आप थिएटर ग्रुप से जुड़ सकते हैं तो वहां जुड़िए, और थिएटर की बारीकियों को समझते हुए कनोसूर बनिए, और फिर जब आप थोड़े वक्त कनोसूर बनेंगे, बन के जिएंगे, फिर आप आर्टिस्ट बनने की राह पर चलिए, धीरे धीरे काम होगा। मेरी नज़र में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो अगर 17-18 साल की उम्र में काम शुरू करेगा, ट्रेनिंग शुरू करेगा, वो 23-24 साल तक एक अच्छा एक्टर बन सकता है। जहाँ तक हमारी बात है, मिस्टिक एक्ट्स और ललित मणिमू अकेडमी सिर्फ एक्टर्स को ट्रेन नहीं करती, हम लोग हर उस व्यक्ति को अभिनय की वो शिक्षा देना चाहते हैं जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास हो, जिससे उसके भीतर तमाम उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में आए, जिससे वो दुनिया को एक रंगमंच की तरह देख पाए और खुद को एक वर्ल्ड स्टेज एक्टर के रूप में देखे। चूंकि अल्टीमेटली हम सभी अभिनेता ही हैं, हम एक विश्व रंगमंच के अभिनेता हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं, हर बार हमारी भूमिकाएं बदलती रहती हैं, जीवन में जो क्लैश है, जो तकलीफ है, जो दुख है, वो अपनी भूमिकाओं को ठीक से समझने न समझने की वजह से ही होता है। तो आप अपनी भूमिकाएं ठीक तरह से कैसे निभाएं, आप अपनी भूमिकाएं को कैसे समझें, और फिर अपने मन, वचन और कर्म से अपनी भूमिकाओं के साथ कैसे न्याय करें, ये भी तभी संभव है जब आप एक एक्टर की ट्रेनिंग से गुजरते हैं। ध्यान रहे, इस दुनिया में हर कोई एक्टर है, इसलिए मेरी नज़र में हर किसी को, वो किसी भी फील्ड में हो, थोड़े समय के लिए अभिनय की शिक्षा लेना जरूरी है। उससे उसको बहुत लाभ मिलेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल में उसकी इम्प्रूवमेंट होगी, उसकी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट होगी, उसके इमोशंस चैनलाइज हो जाएंगे, उसके अंदर से शर्म और लज्जा जैसी ये जो छोटी छोटी वृत्तियाँ हैं ये हट जाएंगी,
उसके अपने इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें सुधार होगा, और सबसे बड़ी बात उसकी भावनाएं थोड़ी सी पॉजिटिव होंगी, उसके जीवन में एक कलाकार का अप्रोच होगा। और अगर इस जीवन में जीना है, इस धरती पर, इस धूल धूसरे धरती को आनंदमय तरीके से जीना है, तो दो ही रास्ते हैं, एक है धर्म का रास्ता और एक है कला का रास्ता, और ये दोनों रास्ते एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म के पथ पर जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद उसकी जो अनुभूतियां हैं उसको जब आप अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो कला का सहारा ही लेना पड़ता है। इतिहास में देखिए, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धर्म गुरु, उन्होंने कभी पेंटिंग के जरिए, कभी गीत के जरिए, कभी संगीत के जरिए, कभी मूर्तिकला के जरिए, कभी उच्च काव्य के जरिए, साहित्य के जरिए अपनी उन अनुभूतियों को समाज में रखा है, जनता के सामने शेयर किया है। तो कला एकमात्र मार्ग है, कला एकमात्र रास्ता है जिससे आप अपनी गहरी अनुभूतियों को समाज के सामने रख सकते हैं, उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं, उन्हें सतपथ पर चलने का एक निर्देश दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता हूं कल 10 और 11 के बीच। समय एकदम से बांधना नहीं चाहता, 10 के सवा 10 भी हो सकते हैं। जो लोग आए हैं, आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने जो प्रश्न पूछा है, मैं जरूर उस प्रश्न को देखूंगा और अगली क्लास में इसका उत्तर दूंगा। आइए और अपने साथियों से भी कहिए, ये 10 दिन की एक फ्री वर्कशॉप है। मेरी इच्छा है कि आप सब प्रेरित हों आर्टिस्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच समय देने के लिए और आज का ये कार्यक्रम देखने के लिए, लाइव कार्यक्रम देखने के लिए। आप सबके भीतर का अभिनेता जग जाए, इस प्रार्थना के साथ आज की बात समाप्त करता हूं। नमस्कार और एक बार फिर हैप्पी हैप्पी एंड ब्लेस्ड रामनवमी।